समस्तीपुर के एक निजी स्कूल में अपराधियों ने बरसाई गोलियां, दहशत का माहौल। यह बड़ी खबर समस्तीपुर से है। यहां दिन दहाड़े मोहनपुर डीपीएस स्कूल में एक छात्र को छोड़ने गए एक युवक राजेश कुमार पर अपराधियों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। दो गोली युवक को कंधे में लगी जो बाम को चीरते हुए सीने में धंसी है। राजेश को खून से लथपथ हालत में तुरंत एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी हालत चिंताजनक बनी हुई है। परिजनों ने आशंका जाहिर किया है कि हमलावर बच्चे को अपहरण करने के उद्देश्य यहां पहुंचे थे, जिसके विरोध करने पर ही उसने गोली चलाई होगी। हालांकि पुलिस का मानना है कि जमीनी विवाद को लेकर दो गुट के बीच चल रही विवाद में या पुरानी रंजिश में गोली मारी गई है। स्कूल में लगे सीसीटीवी फुटेज को खंगाला जा रहा है ताकि हमलावर की पहचान की जा सके। जानकारी के मुताबिक बाइक सवार दोनों हमलावर हेलमेट पहने हुए हैं, जिसके कारण आसपास के लोग उनको पहचान नहीं सके। फायरिंग की आवाज सुनकर स्कूल और आसपास में अफरा तफरी का माहौल मच गया। छात्र और उन्हें स्कूल छोड़ने आए अभिभावक इधर से उधर भागने लगे। गौरतलब है कि इस स्कूल के पास ही मुफस्सिल थाना और मुसरी घरारी थाना का बॉर्डर भी है, जिसकी वजह से यहां पर अस्थायी रूप से पुलिस चेक पोस्ट की व्यवस्था की गई है। इसके बावजूद दिन दहाड़े हुई इस गोलीबारी की घटना से पुलिस पर भी सवालिया निशान खड़ा कर दिया गया है। फिलहाल पुलिस छापेमारी में जुटी है। इस घटना को लेकर पुलिस के खिलाफ स्थानीय लोगों में काफी गुस्सा है। समाचार कवरेज करने गए मीडिया कर्मियों के साथ भी मारपीट की घटना घटी है, जिसमें कई पत्रकार घायल हो गए हैं। पत्रकार की पिटाई अब आम बात हो गई है। सदर डीएसपी समस्तीपुर भी मौके पर पहुंचे और इस मामले में पुलिस की कार्रवाई शुरू की गई। घटना के संबंध में परिजनों एवं पुलिस के अधिकारी ने बताया। फिर से पूरा बात बताइए, था लड़का क्या करता था, क्या हुआ घटना? लड़का पढ़ता था बीए में, वो सरायरंजन कॉलेज में एडमिशन लिया था और लड़का को बच्चा को गया सुबह सुबह स्कूल छोड़ने के लिए। उतर के जैसे उतर के बच्चा को अंदर करता, उसी समय जो है कि उसको तरह तरह गोली चलाने लगा। हमलावर कहाँ से आए थे, कितने की संख्या में थे, कुछ पता चला है? कुछ पता नहीं चला। अच्छा, कोई पहचान नहीं हुआ? सब हेलमेट पहना हुआ था? हेलमेट पहना हुआ। अच्छा, तो इनको कोई किसी चीज का दुश्मनी भी चल रहा था आप लोग? नहीं, जाके किसी से बातचीत भी नहीं करता है। तो क्या ऐसा हो सकता है, अपहरण का प्रयास भी हो सकता है बच्चे का? क्या हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है। तो हो सकता है, मैंने आशंका ऐसा भी है कि किसी अपहरण करना चाह रहा होगा आपका बेटा, उसको बचाने लगा होगा। तो जब पूरा होश में आएगा तो वही बताएगा सही बात, बताएगा वही स्टेटमेंट देगा। तो आप लोग क्या चाहते हैं अभी? हम लोग यही चाहते हैं किसी तरह बच्चा ठीक हो जाए। जो अपराधी है, अपराधी को कड़ी से कड़ी सजा दिया जाए, उनको अरेस्ट किया जाए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नरेश महतो। लड़का का नाम? राजेश कुमार। सामने आया मोहनपुर वाला घटना सुबह 7:15 बजे स्कूल के सामने गेट पर क्या लगता है सर कि बच्चे का अपहरण का भी प्रयास हो सकता है क्या? इस तरह जिनको गोली लगे वो बच्चे का गार्जियन है या कुछ पहुंचाने गए थे? नहीं, वो बच्चे को छोड़ने आए थे, गार्जियन थे और गाड़ी से ड्राइवर था। हमलावर क्या नकाबपोश थे या चेहरा खुला, कुछ पता चला है? मोटरसाइकिल से जैसा प्रारंभ चला है, दोनों हेलमेट लगाए हुए थे। वहाँ स्कूल में तो सीसीटीवी वगैरह भी है, तो उसको खंगाला जा रहा है।